अयोध्या की जहां पुलिस ने 2 जून को हुए शिक्षिका हत्याकांड का खुलासा रविवार को कर दिया है। 5 माह की गर्भवती शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की हत्या नाबालिग प्रेमी ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लूटे गए सामान बरामद किए हैं। आरोपी ने मामले से ध्यान भटकाने के लिए इसे लूट का शक्ल दिया था। डीआईजी AK सिंह व SSP शैलेंद्र पांडे ने संयुक्त प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए कहा कि नाबालिग प्रेमी ने शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की हत्या की थी। नाबालिग ने शिक्षिका की हत्या प्रेम प्रसंग को तोड़ने के लिए किया था। पुलिस के मुताबिक शिक्षिका संबंध बनाए रखने के लिए नाबालिग प्रेमी पर दबाव डाल रही थी। नाबालिग प्रेमी बदनामी की डर से बचने के लिए इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक शिक्षिका के पति और माता के बाजार जाने के बाद वह घर में घुसकर नुकीली दार रॉड से शिक्षिका की हत्या किया था। नाबालिग ने हत्या से ध्यान भटकाने के लिए इसे लूट का शक्ल दिया था। हत्या के बाद नाबालिग आरोपी ने अलमारी का ताला तोड़कर 50,000 नकदी व अन्य सामान की चोरी की थी। पुलिस ने आरोपी नाबालिग के पास से सारा सामान बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कोतवाली अयोध्या के श्रीरामपुरम कॉलोनी में 2 जून को दिन दहाड़े घर में घुसकर नाबालिग ने शिक्षिका सुप्रिया की हत्या की। शिक्षिका के परिवार वाले घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए थे। घर लौटने पर उन्होंने सुप्रिया को खून से लथपथ पाया था। आरोपी और शिक्षिका के बीच लगभग 2 साल से संबंध थे। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। 1 जून को एक सनसनीखेज मर्डर हुआ था यहाँ पे, और उसमें एक यंग शिक्षिका थी, उसकी हत्या हुई थी। चूँकि केस में कोई इस तरह के साक्ष्य नहीं थे जिससे कि इसको नामित किया जाता, तो अज्ञात में ही मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। और इसकी विवेचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं इनकी टीम के नेतृत्व में बहुत ही गहनता से की गई, और लगभग 1 महीने तक इसमें काफ़ी प्रयत्न किया गया। अब इसका अनावरण हो गया है, और इसमें जो अभियुक्त है वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर बॉय है, जो कि उस शिक्षिका से उसकी फ्रेंडशिप थी और काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप हो गए थे। जैसा कि SSP साहब ने बताया है कि वो इस बात से भयभीत रहता था कि ये बात खुलेगी तो समाज में उसकी स्थिति खराब होगी, दोस्तों में उसकी पोजीशन खराब होगी, इसलिए वो मुक्ति पाना चाहता था इस रिलेशनशिप से। लेकिन महिला के दबाव में और यह कहने पर कि उसके पास कई साक्ष्य हैं जिसका वो खुलासा कर सकती है बाद में, वो भयवश आता भी रहता था। तो इन्हीं कारणों को लेकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया, और घटना का अनावरण करने के दौरान जो पाया गया कि उसने जो भी ज्वेलरी वगैरह वहाँ से चोरी की थी अलमारी से, उसको उसने अपने घर में छुपा कर रखा था, उसकी निशानदेही पर उसको बरामद किया गया है। और पूछताछ में उसने यह भी बताया है कि चोरी करने का उद्देश्य उसका यही था कि उसको ये घटना को एक अलग स्वरूप देना चाहता था। तो इस प्रकार से इस घटना का बहुत ही शानदार अनावरण हुआ है, और मैं कप्तान साहब की टीम को 50,000 रुपये का इनाम अपनी तरफ से दे रहा हूं, और इनको बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि जब ये मुझसे कॉलन करने आए थे तो क्राइम फ्रंट पे जब मैंने पूछा कि आपका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, तो इन्होंने इस घटना का जिक्र किया था और ये कहा था कि हमने सारे विकल्प तलाश लिए हैं और सब पे काम किया है, लेकिन अभी ईश्वर हमारा साथ नहीं दिया है और भगवान ने साथ दिया, और जो क्लू थे उन्हीं क्लू के आधार पे इस केस का सफल अनावरण हुआ है, और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ।